हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर एसडी कार्ड फॉर्मेट नहीं हो रहा है तो कैसे फॉर्मेट करेंगे। तो देखिए, हम फाइल वाले ऐप को ओपन कर रहे हैं और अब हम नीचे आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, एसडी कार्ड लगा है 8 GB का, जिनमें से केवल 5.4 GB ही खाली है, बाकी भरा हुआ है। तो अभी हम इसे फॉर्मेट करेंगे। तो इसके लिए आपको मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है, फिर सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर अबाउट डिवाइस नाम का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर स्टोरेज नाम का ऑप्शन मिलेगा, स्टोरेज पे क्लिक कर देना है, आप यहाँ पर आ जाएंगे। तो गाइस, अगर यहाँ पर ये वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा तो फिर आपको क्या करना है, देखिए बैक आते हैं, सेटिंग में जाना है, सबसे ऊपर सर्च बार में क्लिक करके लिखना है स्टोरेज, स्पेलिंग आप सही लिखना। तो जैसे स्टोरेज लिखेंगे तो यहाँ पर स्टोरेज का ऑप्शन आ जाएगा आपको। इस देखिए नीचे यहाँ पर लिखा है अबाउट डिवाइस और स्टोरेज, तो स्टोरेज पे क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे यहाँ पर आप आ जाएंगे, यहाँ से स्टोरेज पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पर देखिए नीचे आना है, यहाँ से नीचे आएंगे सबसे नीचे एसडी कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, एसडी कार्ड पे क्लिक करना है। यहाँ पर एसडी कार्ड शो करेगा, देखिए 33% यहाँ पर यूज हो चुका है। तो अब आपको सबसे नीचे आना है, सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर फॉर्मेट एसडी कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर अपने लॉक स्क्रीन का पासवर्ड डाल देना है, जो भी आपका है, फिर आपको फॉर्मेट पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से फॉर्मेटिंग होगा, कुछ सेकंड वेट करना है। देखिए फॉर्मेट हो चुका है, फिर से हम नीचे यहाँ एसडी कार्ड पे क्लिक करते हैं और देखिए 0% यूज, मतलब कि फॉर्मेट हो चुका है। हम बैक आते हैं, एक बार फाइल्स को ओपन करते हैं और नीचे देखिए पूरा हमारा खाली हो चुका है, 8.1 GB फ्री है। इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। तो गाइस, आज के बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।